परसदा कला में महिला ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही बाई के पक्ष वाले और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मृतक के पति हेम शंकर साहू आए दिन नशे की हालत में धुत होकर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। बीती रात पति ने घर में हंगामा कर पत्नी के साथ मारपीट की। प्रताड़ित होकर पत्नी ने कीटनाशक दवा सेवन कर लिया और मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो आत्महत्या भी लगे तब ले कि तो साल बनी रही साल मार पीट के अब से भी रही से तब वो राजी सुधारी काली सुधारी की कह रही से वो अभी हम अनेक महीने एक 15-18 दिन हो गए बाहर गिर हूँ अभी जागरण नहीं जाना। क्या बात को लेकर के परेशान करते थे क्यों लड़ाई करते थे? एक गलती का है कहा तो कुछ नहीं बताए ये बेटा गलू था। बहुत पहले से पटाई करते आ रही थी और घर में और हमारे घर में भी जाकर रक्षम जाकर के कुछ गाली गलौज बकता था। उसको बार बार समझाते रहे फिर भी नहीं मानता था। हम लोग सोचे कि चलो आज सुधर जाएगा कल सुधर जाएगा क्योंकि बेटी है। ऐसे करके उनके खिलाफ कोई FIR अभी तक नहीं करवाए हैं और अंतिम परिणाम यही हुआ मतलब सुसाइड कर ली गई है। तब से इनको मार धार प्रताड़ित किया जा रहा था और हम लोगों को यह देखने को भी मिला और हमारे समाज में भी यह देखने को मिला कि ऐसे लड़की को इतना मारता है फिर भी हम चलो साथ सुधर जाए करके इनको उनके ससुराल में भेज दिया गया। और अभी तो जैसे भी चल रहा था अभी और 1 महीना या 20 दिन पहले और इतना मारा क्या किया लड़की भग करके फिर मायके चली गई। लड़की जो अभी सुसाइड करे है ये पति के प्रताड़ना में करे है। पति इतना मारे लड़की ला अभी आज से 15-20 दिन पहले की बात है। गांव के रक्षम और गांव है तो मैं वहाँ के अध्यक्ष भी हूँ साहू समाज के तो मोला बुलाक लेके रही से तो लड़की के भयंकर निशान रही से राड में मारे रही से तो मैं घर वालों मेरा सलाह दें या तो समाज में आवेदन लगा दें या तो पुलिस में एक इतलाई रिपोर्ट कर दें। तो घर वाला मन ध्यान नहीं दी अंत में ये हो है। धमतरी जिले में मतगणना को लेकर तमाम इंतजाम